हाय भाई गाइस, गावंता पाकिस्तानी फैमिली तो कैसे रैक्शन हैं आप सब। मेरा नाम मैं आजाद है ना यार। नदीम। आज का वीडियो बहुत ही बड़ा निकल कर आ रहा है, जैसा कि आम का सीजन आ चुका है। आम पूरी दुनिया में भाई फेवरेट है, मतलब बिल्कुल आप लोग बताना आपके फेवरेट हैं कि नहीं। तो भाई पाकिस्तान में आम मिल रहे हैं 800 रुपए किलो और भारत में मिल रहे हैं सिर्फ 50 रुपए किलो, अच्छा, और उसको देखकर पूरे पाकिस्तानी पागल हो गए हैं कि ये क्या हो गया। देखते हैं वजह। वाकई मैं उस दिन पता किया आम तो बहुत महंगा था वाकया यार। बहुत मैं महंगा थोड़ा सा लाया भी हूं पर क्वालिटी नहीं है। है। कब नहीं लाए नहीं हो आज 2-3 दिनों तो किधर है? फ्रिज में पड़े हुए हैं। अजय मुझे तो हाँ पता ही नहीं था, मैं खाऊंगा लेकिन फिर भी अब ये देखते हैं कि क्या सीन है यार। महंगे भाई, अब काउंट ऑन करते 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। मान्य व्लॉग को गाइस, आज हम फिर से आ चुके हैं न्यू मुंबई वाशी एपीएमसी फ्रूट्स मार्केट। अच्छा तो अच्छा वीडियो के साथ आप लोग बने रहे गाइस, देखते हैं आज इस फ्रूट मार्केट में कौन कौन सा वैरायटी का फ्रूट्स अवेलेबल है और आज के क्या क्या रेट्स है, सभी जो इस वीडियो के अंदर हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। अगर आप लोग हमारे इस चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना गाइस, क्योंकि मैं इस चैनल पर इसी तरह की वीडियो जो है लेके आते रहता हूँ। तो चलिए गाइस वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस तरफ आप लोग एप्पल देख सकते हैं, बिल्कुल फ्रेश एप्पल है। तो क्या रेट चल रहा है एप्पल का? 2800 में कितने किलो रहेगा? 18 किलो एप्पल मिलेगा 1800 में। फ्रेश एप्पल है और इस तरफ भी एप्पल है, इसका क्या रेट चल रहा है? 2800 में मिलने वाला एप्पल आता है, देखा भाई देखते हैं। ये भी 28 किलो रहेगा, ये 28 किलो। इधर आप लोग पैर देख सकते हो, 1600 में मिलने वाला। कितना किलो रहेगा? 12.5 किलो। 12.5 किलो है, 80 मतलब पूरा 80 पीस है, 1600 मिलने वाला है। और ये 1200 ना, ये 1200 ना, 1500। अच्छा 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 1500 में मिलने वाला, ये 90 पीस इसके अंदर। इस तरफ आप लोग ड्रैगन फ्रूट देख सकते हो, फिर ऐसा का रेट 800 बोरे पूरा इतना ड्रैगन फ्रूट है। इस तरफ आप लोग आपूस आम देख सकते हो, भाई क्या रेट दे रहे हो आपूस आम? 5 डजन, मतलब क्या रेट रहेगा उसका? 1500 का 5 डजन। अच्छा, ये छोटा साइज में पीस है आपूस, 1500 में 5 डजन मिलने वाला है। और ये थोड़ा बड़े साइज में है ना भाई, इसका क्या रेट है? 4 डजन। इसका क्या प्राइस है? 1400 में 4 डजन आम मिलने वाला है आपूस से, बड़े साइज में। और ये वाला भी आपूस है ना भाई? 1500 में कितना डजन? ये 1500 में 3 डजन मिलने वाला, ये भी आपूस है। वो इस तरह भी आप लोग आपूस देख सकते हो, बहुत सस्ता है। ये पूरा इस तरह पे पीटे है गाइस, पीटे के अंदर पूरा आपूस आ रहा है। रेट चल रहा है, ये भी 1400 में आपको 3 डजन 4 डजन ऐसे मिलने वाले, 4 डजन है इसके अंदर, 4 डजन मिलने वाला है 1400 में। 1400। अच्छा, दर्जन के साथ बिल्कुल फ्रेश आम है, बहुत सस्ते है वही यार। इस तरह भी पूरा है एप्पल है। बाकी क्या रेट चल रहा है एप्पल का? एप्पल क्या रेट चल रहा है? एप्पल 700, 750। 750 में कितना किलो रहेगा? 8.5 किलो ये मान। अच्छा, 8.5 किलो मिलेगा, 10-10.5 किलो ये प्लेट वाला क्या है इसमें 8.5। 700 में क्या रेट ना? सबका सेम रेट है, और इस तरह ये वाला सेम है, दोनों एक ही है। तो भाई बार्गेनिंग वगैरह होता है ना, रेट वगैरह कम होते हैं ना, तो यही रेट रहता है? नहीं, 10-20-50 तक कम होता है, अगर पीछे तो होता है। तो मतलब भाई आज का रेट कैसा है? मतलब हाई रेट है क्या, कम रेट, डाउन है क्या, रेट ज्यादा है? नहीं, रेट तो थोड़ा ऊपर है, थोड़ा मत ज्यादा रेट है। थैंक यू भाई। इस तरफ भी आप लोग एप्पल देख सकते हो, भाई क्या रेट दे रहे हो एप्पल? 700 रुपये में कितना किलो? 700 में कितना किलो? 10 किलो। 10 किलो का पूरा कैरेट है और 700 में मिलने वाला है, देख सकते बिल्कुल फ्रेश एप्पल है, बहुत फ्रेश है यार बाबा। इस तरफ आप लोग आपको सामने देख सकते हो, वाक्य बहुत सही है, मानना पड़ेगा ये बात। भाई क्या रेट दे रहे हो? हाँ भाई 1500 का आपूस है ना? ये आप लोग आपूस आम देख सकते हो, 1500 में पेटी मिलने वाला है। कितना कितना डजन है भाई? 4 डजन। 4 डजन का पेटी है और 1500 में मिलने वाला है। और ये वाला भाई इसका क्या प्राइस है? ये भी 4 डजन है, ये 1500 मिलने वाला है। छोटे साइज वाला भाई 5 डजन, इसका क्या प्राइस है? 1400 रुपये। अच्छा, और ये बड़े साइज वाला भाई? 3 डजन। इसका क्या प्राइस रहेगा? हाँ, इसका भी 1500। ये 1500 में 3 डजन आपूस है ना?
आपको सौ में 1500 में 3 डजन मिलने वाले आपको। और ये वाला कौन सा भाई? केसर। इसका क्या प्राइस है? 100 रुपये किलो। अच्छा 100 रुपये किलो ये केसर आम मिल रहा है। दो दिन में गाय से ये तैयार हो जाएगा खाने लगे। आपको शाम में 1300 में 4 डजन का पेटी मिलने वाला है। और इसका भी सेम है क्या? ओके। और ये वाला कौन सा भाई केसर? इसका क्या प्राइस रहेगा? इसका क्या प्राइस रहेगा केसर का? 80 रुपए किलो केसर आम मिलने वाला है। आप लोग देख सकते हो बिल्कुल ये फ्रेश आम है। मैं सोचता हूँ कितना सस्ते है। 80 रुपए किलो। उस तरफ बड़े साइज में आपको सामने इसका क्या रहेगा भाई? हमारे 800-800 रुपए के मिल रहे हैं। 1350 कितना डजन रहेगा? 3 डजन मिल रहा है 1350 में। ये थोड़ा बड़े साइज में आप उसे देख सकते हो। आप लोग देखो ना यार, देखो ना इस तरफ और भी भाई। क्या प्राइस है आप उसका पेटी का? 1500 में कितना डजन रहेगा भाई? 3 डजन। ये 3 डजन का आप उसका पेटी है 1500 में मिलने वाला है। और ये वाला भाई छोटे साइज वाला इसका क्या प्राइस रहेगा? 1500 में 5 डजन आप मिलने वाला है। ये भी आप पूछिएगा इस छोटे साइज में। तरफ आप लोग केला देख सकते हो, इलायची केला है, इस तरफ भी केला है। भाई आज का रेट क्या चल रहा है केले का? केले का रेट क्या चल रहा है आज का? 60 रुपए किलो। इलायची केला ना? और ये वाला तो गाइस ये शॉप के ओनर है और इनके पास ये सब इस तरफ केला है। थोड़ा सा इनसे बातचीत करते हैं, डिटेल्स वगैरह पूछते हैं आज का रेट क्या चल रहा है केले का। तो सर सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। नाम लक्ष्मण है। लक्ष्मण जी, तो सर आज का मतलब केले का रेट मतलब कैसा, मतलब हाई रेट चल रहा है क्या, डाउन चल रहा है? डाउन चल रहा है। ओके, तो मतलब आपके पास खाली केला ही बेचते हो क्या? खाली केला है, इलायची केला। ओके, तो इनके पास है इलायची केला है। और अपना कॉन्टेक्ट नंबर आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं, जब भी आप इस मार्केट में विजिट करते हैं तो आप इनसे कॉन्टेक्ट वगैरह कर सकते हो, रेट वगैरह पूछ सकते हो और जो भी डिटेल्स है केले के बारे में इनसे पूछ सकते हो। तो सर अपना आप नंबर शेयर करो। टाइमिंग क्या रहेगा सर शॉप का आपके? टाइमिंग क्या रहेगा? टाइमिंग सुबह 5 बजे से शाम को कितना बजे? कमाल है यार, मैं तो हैरान। इस तरफ आप लोग केला देख सकते हो किस तरह कटिंग वगैरह करके इस तरफ पैकिंग करके मिलता है पूरा। इधर भी भाई ये पैकिंग कर रहा है, पैकिंग भी हो रहा है, बहुत बढ़िया काम करता है। एक नंबर एक फिर बोलते है चित्र फिर इसके बाद आता है एक सही लड़का है। इस तरफ ऐसा वजन करके मिलेगा। और भाई साहब यार मैं वजह बोलूं, मैं आखिर पे बोला था एक बात करूंगा। पाकिस्तान में तो इंडिया में फ्रूटों के देखा जाए साहब जमीन आसमान का फर्क, जमीन आसमान का फर्क है यार। मैं जो यकीन करो ना, सेब जो है ये बोलते हैं ना 100 रुपए किलो, 100 रुपए उधर है, ये सुरख लाल ये इधर 700-800 रुपए किलो। बाबा वाह कहते होंगे वो तो 100 रुपए की क्वालिटी देख से। पहले तो यहाँ पर ऐसा फ्रूट मिलता ही नहीं है इतना कमाल इंडिया का जो। कसम से तुम्हें मैं बताऊँ, घिसा पिटा यहाँ पर फ्रूट होता है वो भी 500-600, इससे कम तो है ही नहीं। वो देखो अब तो यार हमारे यहाँ फ्रूट भी हमारे खाबों में आना बंद हो गए हैं कि भाई, क्योंकि पाकिस्तान में इतने महंगे कोई नहीं खरीद सकता। मेटर जो अमीर है वो भी नहीं खरीद सकते, ऐसे हालात पैदा हुए हैं। आम पहले 600-800 रुपए कौन खरीदेगा? कौन खरीद सकता? केला 400-500 रुपए दर्जन कोई ले सकता? वो तो 60 रुपए के दर्जन है। कसम यकीन कर के जमीन आसमान का फर्क है यार। छोड़ गए जब मैंने वहाँ पर देखा कि भाई वहाँ पर आम 1500 रुपए की पेटी मिल रही है, पेटी मिल रही है। इधर 1500 रुपए नजदीक जाओ ना मारेंगे चार, तो हमारे यहाँ तो मुश्किल से 1.5 किलो आएगा। मैं तो कहाँ 1.5 किलो की छोटी सी थैली, कहाँ पर 6-7 आम और कहाँ पर एक 1500 रुपए की पेटी जिसके अंदर भाई साहब 4 दर्जन। आप 4 दर्जन कम अज कम कितना वजन बनता है? 10-12-13 किलो होते बनता है। आप अंदाजा लगा लेना।
कितना सस्ता है, कितना सस्ता है। उधर क्वालिटी भी आम की ऐसी है ना, आप इधर पाकिस्तान में आम लाए ना भाई, हमारे 100 रुपए के जो 100 रुपए किलो नहीं बता रहे थे आम, उधर का वो आम भी मीठा है बाबा का। हमारे यहाँ इतने इतने आम मिल रहे हैं 1000 रुपए किलो, ये इतने से आम, ये तो भारत के अंदर मैं कहता हूँ कि कोई को 50 रुपए किलो मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत जबरदस्त क्वालिटी है यार इंडिया की। वही यार फ्रूट की से यार मैं खुद हैरान रह गया, सेब में देखो मेरे पैरों तले जमीन निकल गई यार। कितने केले, इलायची केला, ये कौन सा यार, ये इसका टेस्ट कैसा होता है इलायची केले का यार? यार ये कोई उन इंडिया का होगा ना, ये हमारे पास तो नहीं है, हमारे पास तो सादा से आते हैं जो केले से लोग खरीदते हैं। हमारे यहाँ तो इलायची केला तो नहीं आया, इलायची केला मैंने पहली दफा सुना नाम। तो अब यार आप लोग बताओ, आप लोगों का क्या थॉट है इस पर, इधर ये वीडियो खत्म कर दे तो